हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बिकॉज मेरे फाइनल एग्जाम्स थे। सो आई एम पूजा नावी एंड आज मैं आपको सिखाऊंगी, मैं बनाऊंगी मटर की कचौरी। सो से ले लिया है और थोड़ा सा नमक, यू कैन ऐड वाइट और घी और तेल चलेगा और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा रेडी करना है। डायरेक्ट से पानी डाल दोगे तो बिगड़ सकता है, पर एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ आटा रेडी हो गया है और उसको गीले कपड़े से एकदम अच्छे से कवर करना है और आराम करना रख देना है 15 मिनट्स तक। और तब तक वो मैंने बॉईल कर लिए थे कि मटर को, तो ये बॉईल मटर है, ग्रीन चिली और जिंजर, उसका हम लोग एक पेस्ट रेडी करेंगे। नाउ टेक अ कढ़ाई, उसमें एक या दो चम्मच तेल और जो भी दिखे घर में मसाले डाल दो, जीरा और रेड चिली थोड़ी सी, हल्दी, गरम मसाला और ये फिनल सीड। बरी डालनी है, आमचूर पाउडर, तो थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा। और ये धनिया और उसका मिक्स पाउडर है, जीरा और सॉल्ट, एकदम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अभी जो टेस्ट हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर दिया, सब स्टफिंग एकदम रेडी हो गई। कुछ इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब तरह का मसाला यूज करना है। सर 3 टाइम्स स्नैक्स सॉफ्ट हो गया है, उसको थोड़ा सा और भूनना है, तो ठीक है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी हम लोग कचौरी बनाएंगे, तो जैसा मैं कर रही हूँ मैसे की वैसा करना, बिल्कुल नहीं फटेगी कचौरी और फूलेगी भी अच्छे से, तो डोंट वरी। थोड़ी सी ज़्यादा पतली नहीं, पर एकदम थोड़ी मीडियम साइज की रोटी बनेगी, ज़्यादा पतली थोड़ी भी स्टफिंग भरना है, नहीं तो
तो फटेगा, बाहर आ जाएगा स्टफिंग। वैसे आप मम्मी की हेल्प ले सकते हो, मम्मी को अच्छे से आएगा ये करने। वो उसको ऐसा मत करना, वो निकाल देना साइड पे, मैंने नहीं निकाला है, पर आप मेरे जैसा मत करना। वो जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देना, ताकि वो जब हम लोग फ्राई हो जाए फिर वो कच्चा लगता है खाने में। तो ऐसे ही हम लोग सारे कचौरी रेडी करेंगे। साइड में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तो इसको हम लोग नहलाते हैं तेल में, आई मीन फ्राई करते हैं। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, इट वॉज अमेजिंग। और मटर तो अभी सर्दियों में सस्ते है, सो यू कैन ट्राई दिस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी वीडियो। टेक केयर।